नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का समाधान, यानी जो आप लोग कमेंट्स में प्रश्न पूछते हो तो उसके लिए। तो मित्रों, इसके लिए देखते हैं कि सबसे पहले ये विजय कुमार जी ने जो कमेंट्स में अपना प्रश्न लिखा है उसके संबंध में ये बताना है कि विजय कुमार जी, आपने कमेंट्स में जो प्रश्न लिखा है वो स्पष्ट नहीं है, कृपया उसको सही करके लिखें ताकि हम उसका जवाब आपको दे सकें। उसके बाद सिविल बरेली करके एक सज्जन हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि 1978 से ग्राम पंचायत की भूमि पर काबिज हैं, जो चारागाह और बंजर भूमि है, कुछ सलूशन बताएं। तो इसके लिए बताना है कि चूंकि सार्वजनिक भूमि है इसलिए इस पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है, कब्जा चाहे जितने संशय हो, लेकिन यदि आप इस जमीन को बदलना चाहें तो उप जिलाधिकारी के यहाँ आप इसका धारा 101 में विनिमय कर सकते हैं, और उसके लिए जितने दिन से आप काबिज हैं उसके लिए भी आपको हर्जाना वगैरह देना पड़ सकता है, लेकिन इस पर कोई अधिकार वैसे उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि यह सार्वजनिक भूमि है। उसके बाद आपने पूछा है कि नियम 123 क्या है। नियम 123 जो है, अगर आपने राजस्व संहिता 2000 से संबंधित पूछा है तो उसमें है कि उप जिलाधिकारी जो है भूमि प्रबंधक समिति पट्टा करके अनुमोदन हेतु उप जिलाधिकारी के समक्ष भेजती है, यदि उप जिलाधिकारी उसको अस्वीकृत कर दे यानी डिनाई अगर कर दे तो भूमि प्रबंधक समिति जो है पुनः पट्टा करेगी, उसमें पुनः जो प्रस्ताव पारित करेगी। उसके बाद मित्रों, मिथिलेश यादव जी ने पूछा है कि खलिहान की जमीन सार्वजनिक जमीन होती है, उस पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन युद्ध जमीन पर बहुत लंबे समय, लगभग 30 से 35 साल से भी अधिक समय से यदि काफी मकान बने हो, यह ना जानते हुए कि वह खलिहान की जमीन है, तो क्या इसके लिए उन पर कार्रवाई होगी। तो इसके लिए जो है, चूंकि भूमि सार्वजनिक है इसलिए उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यदि अगर आप उसका विनिमय करना चाहें तो आप SDM को प्रार्थना पर दे सकते हैं कि इसके बदले हम अन्य जगह भूमि दे रहे हैं। तो अगर ये सारी शर्तें जो उसमें वर्णित है नियम उसमें धारा 101 में यदि पूर्ण होती है तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद में शोभित सिंह जी ने पूछा है कि रिलीवेंट सेक्शन जो है वो UP रेवेन्यू कोड के जो ग्राम पंचायत की भूमि से संबंधित हों और इनसे विवादों से संबंधित है, तो इसमें अध्याय 8 जो यानी चैप्टर 8 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर पढ़ लें। उसके बाद वन बिहारी दास जी ने पूछा है कि उनका मकान जो है ग्राम सभा की जमीन पर बना है, लेकिन वो जमीन जो है वो सार्वजनिक नहीं है, ओनली ग्राम सभा की जमीन है, तो इसके लिए आपका है कि यदि मकान उस पर बना हुआ है और वो मकान धारा 67A जो राजस्व संहिता है उसके अनुसार 2 नवंबर 2000 से यदि पहले का है तो फिर आपका बंदोबस्त उसके साथ हो सकता है, वो नहीं गिराया जाएगा। तो मित्रों, मैंने आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है, आप इसी तरीके से समस्या पूछ सकते हैं और समय समय पर, और जैसे ही हमको समय मिलता है हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।